उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड क्यों खत्म नमस्कार, हो रहा है? अनुराग बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल पर। थैंक यू सीमा जी। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि यूट्यूबर 7 लाख सब्सक्राइबर आपने कैसे हासिल किया, सबसे पहले आप ये बताइए। हासिल बस इस तरीके से करे कि मैंने शुरुआत करी थी, एक प्लेटफॉर्म था टिकटॉक नाम का, जो कि अब बैन हो चुका है क्योंकि वो चाइना का था, जो कि अच्छी भी चीज है। तो टिकटॉक पे मैंने जो है, जब मैंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो चुकी है, तो लोग मतलब कंटेंट तो बना रहे थे फालतू के नाच गाना, बट किसी ने मुद्दे की बात नहीं उठाई थी कि आखिर ये जो मर्डर हुआ है इस, ये यार ये आवाज ठीक से नहीं आ रही, तो किसी ने मुद्दे की बात नहीं उठाई थी, सब लोग बेफालतू की वीडियो बनाने में लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छी खासी रीच आती है वीडियो की, तो क्यों ना उस प्लेटफॉर्म के जरिए इस मुद्दे को उठाया जाए। तो मैंने वहां से शुरुआत करी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री को एक्सपोज करने की, क्योंकि हर जगह टीवी में, हर जगह न्यूज मीडिया में ये आर्टिकल छप रहे थे कि ये एक सुसाइड है, ये एक आत्महत्या है। बट मैंने टिकटॉक से शुरुआत करी, उसके बाद टिकटॉक हो गया बंद। फिर मैंने सोचा कि यार ये टिकटॉक तो बंद हो चुका है, अभी मुहिम का ही खत्म ना हो जाए। तो मैंने टिकटॉक जैसे ही बंद हुआ, मैं तुरंत आ गया यूट्यूब पे। मेरा कोई ये नहीं था कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, मेरे दिमाग में कोई चीज थी नहीं। पहले मुझे भी शौक था कि यू नो बॉलीवुड का शौक था, एक्टिंग करने का शौक था, मेरे को भी सपना था कि मैं भी एक्टर वगैरह बनूंगा सुशांत की तरह। बट फिर जब मैंने इनकी डार्क साइड देखी तो मेरा मन उतर गया। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से इन सबको एक्सपोज करना शुरू किया, और स्पेशली मैंने इस बात पर जोर दिया कि ये मर्डर जो मिस्ट्री है ये खुल के सामने आए और लोगों के दिमाग से ये चीज उतर जाए कि ये एक आत्महत्या है। लोगों को मैं ये प्रूफ करूँ विद एविडेंस, विद फैक्ट्स, विद लॉजिक, विद साइंटिफिक प्रूफ्स कि ये एक मर्डर है, ये एक हत्या है। जिसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, और वीडियो को बहुत लोगों ने शेयर किया, हर जगह लोगों ने फैलाया था, और उसी के जरिए जो है ये YouTube स्टार्ट हुआ और YouTube पे लोग जुड़ना शुरू हो गए। तो ये थी मेरी यूट्यूबर में जो आप कह रहे हो सब्सक्राइबर बढ़े हैं, वो इस वजह से बढ़े हैं कि मैंने वो चीज़ दिखाई अपने चैनल के माध्यम से कि जो लोग नहीं दिखा रहे थे। मैंने कुछ अलग चीज़ करी, मैंने एक सच के लिए आवाज़ उठाई, और यूँ कह सकते हैं कि लोग जुड़े और लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, और उसके बाद ये मुद्दा पहुंचा CBI तक। तो इस तरीके से YouTube पे सब्सक्राइबर वगैरह आए हैं। अनुराग जी, आप एक यूथ आइकॉन भी बन चुकी है। मुझे लगता है सोशल मीडिया एक आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, डिजिटल वर्ल्ड इतना बड़ा दुनिया हो चुका है, एक ब्रह्मांड की तरह वो हर मोमेंट पे, हर पल वो एक्सपांड होते जा रहा है, ना कि घटते जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए आज इंटरनेट एक अभिशाप की तरह है। तो आप क्या कहते हो, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। अब हमारे ऊपर है कि हम किस पहलू को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मुझे पता है कि इंटरनेट पर आजकल सब लोग, स्पेशली ये जो रील्स वगैरह बनाई जाती है, इस पर लोग नाचते हैं, ये सब करते हैं, और वेस्टर्न कल्चर को काफी अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि कोई गाना अगर वेस्टर्न कंट्री में हिट है, बाहर के देश में हिट है, तो उस गाने को इंडिया में लाके उसको कॉपी करके, उसके मूव्स कॉपी करके बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आप अपने कल्चर को आगे बढ़ाइए, जो आपका हिंदुस्तानी कल्चर है जिससे आप जुड़े हुए हो। हिंदुस्तान इतना अनोखा क्यों है? क्योंकि इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हर टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी भाषा है, हर 100 किलोमीटर में नई भाषा मिलती है आपको। तो उस चीज को आप एक्सप्लोर करिए और उसको आप पूरे देश में फैलाइए। हम किसी और को कॉपी क्यों करें? जब हमारे पास इतना सारा भंडार है चीजों का, तो हम उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जैसे कि मैं अपना बताऊं, तो मैंने तो यही देखा है कि यार मेरे को नाच गाना करना नहीं है, क्योंकि वो सब लोग कर रहे हैं। मुझे वो चीज करनी है कि जिससे सोसाइटी में कुछ चेंज आए, या फिर कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करी जाए जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो जिसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, उन वॉइसलेस लोगों की जिनकी कोई सुनता नहीं है, उन आवाजों को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचाना। आई थिंक अगर इस मुद्दे के ऊपर लोग बात करेंगे, लोग आवाज उठाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स जो ये वेस्टर्न कल्चर को लोग कॉपी करके करते हैं। बिल्कुल, आपकी सोच और मेरी सोच बहुत मिलती है। हमारे आप बहुत सही कहा आपने, कहा 100 किलोमीटर के दायरे में हमारे पास एक नई भाषा है, एक नई शैली है, एक नया अंदाज है। क्योंकि गुजराती भाषा, मैं गुजरात में रहती हूँ अनुराग जी, तो मैंने ये देखा है गुजराती भाषा में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर है। काठियावाड़ी एक राजकोट का भाषा देख लो अलग है, अहमदाबाद में अलग भाषा है, कच्छ में देख लो एक अलग भाषा है, सभी गुजराती, बंगाल में देख लो एक अलग भाषा, आसाम का भाषा देख लो। मतलब हमारे सही कहा है आपने कि यूनिटी डाइवर्सिटी, खान बान देख लो, कि हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हम नेगेटिव काम में क्यों जाए, सारे में क्यों जाए? क्योंकि प्रकृति की सुंदर है, हमारे पास समुंदर है, हमारे पास नदी, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास सुंदर जंगल है, अच्छी अच्छी मंदिरें हैं, संस्कृति है, तो उसको हम लोग एक्सप्लोर क्यों ना करें?
तो मैं बहुत नजदीक हूँ नेचर के साथ, मैं बहुत जुड़ी रहती हूँ, आई लव नेचर। तो इस आज का जो हमारा मुद्दा है डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड, क्या बॉलीवुड हमारा आज खत्म हो रहा है, क्या वजह है? वो शुरू करने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बता दूंगी कि हमारे साथ यूथ आइकॉन जुड़े हैं अनुराग बिज जी, जिन्होंने 7 लाख सब्सक्राइबर चुटकियों में नहीं, बहुत मेहनत से हासिल करी है। क्योंकि ये 7 लाख सब्सक्राइबर हासिल करना आसान बात नहीं होता है, सोशल मीडिया में डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना 24 घंटा भी रोज का कम पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। तो आप क्या करते हो, हमें दर्शक जानना चाहते हैं व्हाट अनुराग बिज एक्चुअली डज, वो क्या करते हैं यूट्यूबर के अलावा? देखिए, आपने बोला कि सब्सक्राइबर है 7 लाख, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, चाहे मेरे 7 लाख हो चाहे मेरे 7,000 हो, अगर मेरी वीडियो बाकी लोगों तक पहुंच रही है और उस वीडियो से कुछ भी किसी का भी अगर मन बदल रहा है, वो इंसान अच्छी राह पर जा रहा है, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइबर्स का क्या करना है यार, देखो आज 7 लाख है, कल को मान लो एक भी ना हुआ, चैनल बंद हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं आवाज उठाऊंगा क्योंकि मेरे लिए नंबर्स मैटर नहीं करते। कल को मान लो 1 मिलियन भी हो गया, 2 मिलियन भी हो गया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी वीडियो से किसी का सोसाइटी में आप चेंज ला पा रहे हो तो वो ज्यादा बड़ी बात है। और आपने बोला कि मैं करता क्या हूँ, बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, आई एम ग्रेजुएट स्टूडेंट और अभी फिलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। इसी के साथ मुझे शौक है, जैसे कि आपने बोला कि आपको नेचर का बहुत शौक है, मुझे भी पसंद है प्रकृति, मैं खुद ही पहाड़ों से हूँ, मेरा जो गाँव है, जो मेरा होम टाउन है वो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में, तो वहाँ पे मैं जाता रहता हूँ कभी कभी साल में एक बार, काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा वादियों में खूब करेगा, अलग ही मजा आता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है, मेरे हिसाब से हर किसी को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से ना आपके अंदर एक स्पिरिट आती है जीतने की, आप लड़ने का जज्बा जगता है आपके अंदर का। और आजकल लोग क्या है कि पबजी खेलते हैं या फिर कोई और भी गेम खेलते हैं फोन के अंदर, उसको स्पोर्ट्स नहीं बोलते, वो तो आपके दिमाग से वो गेम आपसे खेल रही है, आप गेम को नहीं खेल रहे हो, वो गेम आपको अंदर ही अंदर खोखला बनाया जा रही है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बाहर जाके गंदा होना पड़ेगा, जैसे कि मिट्टी में खेलो, कीचड़, कहीं भी खेलो, जैसे कि हम बच्चे थे, वी आर 90s के, 90 के दशक के हमने जीवन जिया है, तो उस दिन क्या करते थे कि कच्चे खेलते थे, डंडा गिल्ली खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारे गेम्स खेलते थे, क्योंकि हम इतना फोन का इस्तेमाल करते थे। मेरे पास तो फोन 12th क्लास के बाद आया, तो उससे पहले हम बाहर घूमते थे, बाहर धूप में काले भी होते थे, बारिश में देखते भी थे, तो उसको जिंदगी कहते हैं ना कि ये फोन की दुनिया के अंदर जो लोग खो गए हैं टीनेजर्स जो है, तो इससे निकल के हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को वर्क में लेके आए, और स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, तो मेरी ये सब हॉबीज और ये सब मैं करता हूँ। इस बारे में आपको मैं स्पोर्ट्स के बारे में आपकी गुजर की बात जानना चाहती हूँ कि हमारे गुजरात सरकार ने एक बहुत अच्छा खेल महाकुंभ से कहते हैं वो शुरू की है पिछले 10 साल पहले। आप नहीं मानोगे अनुराग जी, 10 साल पहले खेल महाकुंभ शुरू होने के बाद 11वां साल का खेल महाकुंभ अहमदाबाद में डिजिटल में किया गया था, जो कांट इमेजिन 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने किया। हमारे राज्य की जो बेसिक गेम जो होती है पुराने जमाने की, जो जैसे आपने कंचों का गेम बोला है, मतलब वो 7 पत्थर रख के जब उसे बॉल मारते हैं, उन खेलों को भी शामिल किया गया है खेल महाकुंभ के अंदर। खो खो तो है ही, कबड्डी तो है ही, आज कबड्डी का एक तो बड़ा मैच शुरू हो चुका है, कबड्डी का मैच, तो ये सारे खेल से हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत बढ़ती है, हमारी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात जो आपने की है कि जो मेंटल डिस्टर्बेंस जो कंफ्यूजन होता है वो कम होता है। एक ग्रुप के अंदर खेलना आउटडोर गेम्स आई थिंक इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फिजिकल फिटनेस। तो आज जो हमारा मुद्दा है, अब हम मुद्दे की बात पे आएंगे, बहुत अच्छी से आपसे बात हो रही है, मतलब अच्छी अच्छी बातें निकल के उभर कर आ रही है। बॉलीवुड की बात करें तो हम कुछ समय से देख रहे हैं, लगातार 2-2.5 साल हो चुका है, लगातार हम देख रहे हैं कि SSR के डेथ के बाद ऐसा नहीं लगता कि अनुराग जी के कहीं ना कहीं बॉलीवुड का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत वैलिड है। इस बारे में आपको कोई बॉलीवुड का कलाकार या फिर कोई बॉलीवुड की पर्सनैलिटी बात करती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उनको लगता है कि पैंडेमिक की वजह से हम लोगों की पिक्चर चलती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पैंडेमिक के बीच में ही कश्मीर फाइल्स आई थी, कश्मीर फाइल्स इतनी बड़ी हिट हुई, साउथ की पिक्चर आई थी पुष्पा इतनी बड़ी हिट हुई, KGF 2 हो गई, चाहे RRR हो, अभी हाल ही में Kartik 2 आई थी, तो ये इनके पास एक बहाना है कि पैंडेमिक चल रहा है तो हमारी पिक्चर चल नहीं रही है। ये पैंडेमिक कोई बहाना नहीं है, बहाना ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, ये यूं कहेंगे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से ही जो लोग थे, आम जनता थे, उनका जो मन था बॉलीवुड से वो हट चुका है। जहाँ पहले वो बॉलीवुड के स्टार्स को अपना भगवान मानते थे, अपना खुदा मानते थे, अब वो जनता उससे हट चुकी है, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि इनकी डार्क साइड क्या है, जो ये पर्दे पर दिखते हैं, कितने
बड़े हीरो दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में ये जीरो होते हैं। इन्होंने कभी कुछ नहीं किया किसी के लिए। आप खुद ही देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक आउटसाइडर था अपने दम पर। वो आए, पहले पवित्र रिश्ता किया, टीवी सीरियल पे गए, उसके बाद सीधे बॉलीवुड में आए, वहां पे भी छा गए। तो उन्होंने बिना किसी गॉडफादर के अपना मुकाम हासिल किया, लेकिन इन बॉलीवुडियों को वो खटकने लगे। उस इंसान ने चांद पर जमीन ले ली, उस इंसान ने नासा पे, वो नासा में गए, वो चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे। ही कैन बी अ साइंटिस्ट, ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी इंजीनियर, वो कुछ भी कर सकते थे। बट उन्होंने वो सब छोड़कर चूज किया कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि उनका पैशन था, वो उनका ड्रीम था। लेकिन इन लोगों ने उस ड्रीम को कुचल दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको हमेशा एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया। तो यही वजह है, और उनके मरने के बाद भी किसी भी बॉलीवुडियों ने कभी भी ये नहीं मांग उठाई कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई की मांग होनी चाहिए, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का फेटर्निटी का इंसान था ही नहीं। अगर आप ये सपोज करिए, अगर कोई बॉलीवुड का किसी अमीर बाप किसी बॉलीवुड के स्टार का बेटा की अगर मानो कुछ हो गया होता उसके साथ, तो ये सबके सब जो है साथ में एकजुट होकर पोस्टर लगे खड़े हो जाते हैं कि कैसा हो गया, क्या हो गया। लेकिन क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक आउटसाइडर था, उनके लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो ये सब लोगों ने देखा, अपनी आंखों से महसूस किया, और लोगों ने इन बॉलीवुडियों को सरे से निकाल दिया कि भाई अब हमें तुम्हारी पिक्चर देखनी ही नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम्हारी जो रियलिटी थी वो अब सामने आ चुकी है। तो यही वजह है बॉलीवुड के खात्मे का, और ये खात्मा अब शुरू हो चुका है, और ये चलता रहेगा जब तक सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ नहीं मिल जाता। आपके प्रश्न निकल कर आता है, लोगों के सामने अपने प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, तो वो भी एक मनोरंजन का एक मंच ही है ना। आखिरकार बॉलीवुड क्या है ना, पहले पुराने जमाने में क्या था, स्टेज पे नाटक होता था, उसके बाद वो पर्दे पे आना शुरू हुआ, उसके बाद टेलीविजन आया, उसके बाद आज स्मार्टफोन आया है, आज इंटरनेट आया है। लेकिन आखिरकार तो है वो मनोरंजन का जरिया ही, और एक मंच है, तो मंच पे हर किसी का हक होता है जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए वो मंच रहा ही नहीं, कुछ और बन गया है, कुछ व्यवसाय का जरिया बन गया है, और जो हकीकत प्रतिभा दिखाना चाहते हैं उनके लिए वो प्लेटफॉर्म रहा ही नहीं है। तो ये क्या, इसका क्या रिजल्ट आएगा आने वाले समय में, इसका क्या परिणाम होगा? देखिए, ये तो मैंने आपको सुशांत सिंह राजपूत का एग्जांपल दिया है, क्योंकि वो अपने दम पर आए थे, वो एक आउटसाइडर थे। तो मतलब मेरे को दिक्कत नहीं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ठीक है, अगर है, अगर किसी स्टार का लड़का स्टार बनता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उस चीज से, आप बनो। लेकिन आप ऐसा तो मत करो कि सिर्फ स्टार का बेटा स्टार बने, और जो बेचारा गरीब का बेटा या कोई आउटसाइडर है, कोई मिडिल क्लास का बंदा, उसको मौका ही ना दो। अगर सबको साथ में मौके मिले तो कोई दिक्कत नहीं बनती, लेकिन ऐसा बॉलीवुड में होता नहीं है। आप ये देखिए, कोई भी स्टार का लड़का चाहे लड़की हो, उसको तुरंत ही जो है लॉन्च कर दिया जाता है। वो बंदा ऑडिशन, वो लड़का चाहे लड़की, वो ऑडिशन भी नहीं देते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, सीधे उनको शक्ल उनकी डाल दी जाती है लॉन्च में कि भाई साहब आपको हमें लॉन्च कर दिया। और दूसरी तरफ जो आउटसाइडर होता है, वो पहली बात अपना जहाँ पे वो रहता है, जिस भी शहर में रहता है, जिस भी कस्बे में रहता है, उसको छोड़ के वो मुंबई आता है। मुंबई आने के बाद वो सबके खाता है, ऑडिशन के लाइन में लगता है, और एक के बाद एक टेस्ट होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद भी प्रोड्यूसर्स को कुछ करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कुछ करना पड़ता हो, दिन में चाहे रात, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी गंदगी होती है, उन सबको सहने के बाद उसको एक रोल मिलता है, वो भी साइड रोल। तो मतलब एक बंदे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक साइड रोल के लिए, और दूसरी तरफ एक स्टार का लड़का या फिर स्टार की लड़की बिना कुछ करे सीधे लॉन्च हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसी भेदभाव की वजह से जो है ये बॉलीवुड का जो है पूरा टाइम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि हर किसी को बराबर चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, साउथ की इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, लेकिन वहां पर ये तो नहीं करते कि किसी आउटसाइडर को कुचल दिया जाए। आप वहां पर देखो, कोई ऐसा हीरो मैं दिखा दूंगा आपको जो लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल बंदा सड़क से उठ के आ रखा है, बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि बिल्कुल उसकी जो शक्ल है, उसकी पर्सनैलिटी लगता है कि बिल्कुल आम जनता जैसी होती है, तो लोग उससे काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आउटसाइडर को भी चांस मिलता है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं होता? बॉलीवुड में क्यों आउटसाइडर को चांस नहीं मिलता है? सिर्फ स्टार का बेटा ही क्यों स्टार बनता है? तो इसके ऊपर जो है बात भी करनी चाहिए, और इसके ऊपर कठोरता से लोगों को अपने राय भी रखनी चाहिए। किशोर कुमार को, क्योंकि आज बॉलीवुड की वजह से ही आज हमारे पास बेहतरीन गाने भी है, बेहतरीन हमारे पास डांस है, बेहतरीन हमारे पास म्यूजिक डायरेक्टर्स भी है, रह चुके हैं हमारे बॉलीवुड के, वो बॉलीवुड के ही देन है। अगर बॉलीवुड न होता तो हमारे पास इतने बेहतरीन सिंगर्स वगैरह न होते, ना हमारे पास सुंदर बेहतरीन गाने न होते, ना बन पाते।
बड़े बड़े जो म्यूजिक कंपोजर थे, बफी लहरी जी, नसीता बहरा जी, शंकर जयकिशन जी, नौशाद जी, तो इन्होंने हमें बेहतरीन गानों का जो एक खजाना दिया है वो आज भी बरकरार है। आइए उन्हीं गानों को सुनकर हम प्रैक्टिस करते हैं। जो गाने सीखते हैं, जो क्लासिकल सीखते हैं, जो वोकल सीखते हैं, जो डांस सीखते हैं, वो भी इसी तरह के गानों को ही सीखने के बाद अपनी प्रतिभा को दर्शाते मंच के ऊपर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत थी, जो उनकी सही मेहनत थी, सकारात्मक मेहनत थी, वो कहीं ना कहीं आज सब जगह पे गलत लोगों की वजह से उनकी मेहनत का भी आज पानी फेर रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता? हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए, मैं खुद 90s kid हूँ, 90 के दशक का मुझे वो दौर मुझे पता है। वो दौर काफी असली था, काफी रियल था। अब देखो, अब गाने कैसे बनते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पुराने जो हमारे लेजेंडरी सिंगर थे उनके गानों को कॉपी करके, उनको रीमेक करके बनाते रहते हैं। थोड़ी बीट डाल देंगे, थोड़ा रैप डाल देंगे, आप क्यों गाने की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो यार? जो गाना ओरिजिनल है उसको वैसे ही रहने दो। एक अच्छे खासे गाने को बर्बाद करना सीख लिया इन बॉलीवुड वालों ने। मुझे देखिए, गाने में कोई दिक्कत नहीं है, गाने बनाओ कैसे भी बनाओ, लेकिन उसके अंदर कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। असल में प्रोपेगेंडा इनकी मूवीज के अंदर होता है, ना कि गानों के अंदर। गानों के अंदर भी होता है, बट ठीक है, गाना है तो कोई बात नहीं, चल लेता है। लेकिन मूवीज के अंदर जो आप दिखाते हो प्रोपेगेंडा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये गानों को जो है खराब करने में लगे हुए सीमा जी, पता नहीं क्यों ये कर रहे हैं, क्यों जो इनके पास कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। ये चाहे तो अपने नए गाने बना सकते, लेकिन इनको बनाने आते ही नहीं है। ये सिर्फ कभी कॉपी कर देंगे भारतीय गानों को, कभी साउथ के गानों को, कभी पुराने जमाने के गानों को। तो वो क्रिएटिविटी जो है ना, ये इनकी खत्म हो चुकी है। और ये क्रिएटिविटी के खत्म होने की वजह से ही इनका जो है पड्डा धार होना शुरू हो चुका है। इनको अब सोचना पड़ेगा, इनको अपने अपने आप का मेक ओवर करना पड़ेगा, इनको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। ये सोचते हैं कि अगर सिंगर बहुत बेहतरीन है लेकिन गाने में दम नहीं है तो गाना कैसे चलेगा। अगर उसी तरीके से अगर मूवी है, बहुत सारे कलाकार है, बड़े बड़े कलाकार है, बहुत बड़ा बजट है, लेकिन स्टोरी नहीं है तो पिक्चर चलेगी नहीं। तो उसी तरीके से जो मेन कोर है वो होना बहुत जरूरी है, तभी इनका कुछ हो सकता है, वरना कुछ होने वाला है नहीं। मतलब ओरिजिनलिटी एकदम से खत्म होने लगी है, और जो लोगों ने, जो हमारे सीनियर्स ने, जो हमारे और कलाकारों ने जो बना के गए थे, उसी को वो लोग कॉपी कर रहे हैं और उसी को मॉडिफाई कर रहे, थोड़ा बहुत बदलाव लाकर वही को पेश कर रहे हैं। तो कब तक चलेगा, जब तक आपके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी, अगर आप कोई सीख पाओगे, आप कब तक सीख पाओगे अगर आपके अंदर जो एक नहीं रहेगी ना ओरिजिनलिटी, आप नहीं सीख पाओगे। ये भी कोई इंसान नहीं सीख सकता बिना ओरिजिनलिटी के। ये लोग जो है साउथ की मूवी को कॉपी करने में लगे हुए। अभी हाल ही में आने वाली विक्रम वेधा मूवी, जिसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन है, वो सेम मूवी पहले बन चुकी है साउथ में, जिसके अंदर आर माधवन थे और विजय सेतुपति थे। तो मतलब उस मूवी को एज इट इज उन्होंने कॉपी करके डाल दिया है, नाम भी नहीं बदला है, म्यूजिक भी नहीं बदला है, सिर्फ एक्टर बदल दिए गए और उसकी जो है लैंग्वेज हिंदी में कर दी गई है। जब इंसान ओरिजिनल मूवी देख चुका है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो आपकी मूवी क्यों देखेगा? हमारे बॉलीवुड जो है, जो मेन ओरिजिनलिटी वो खत्म हो रहा है, वो खुद अपना क्रिएटिविटी खत्म कर रहे, नहीं कर पा रहे खुद का क्रिएशन, और कहीं ना कहीं साउथ की मूवी से या कहीं और से क्रिएट कॉपी करके पेश किया जा रहा है, दर्शकों को दिखाया जा रहा है। तो उसके बारे में चर्चा हो रही थी हमारी। देखिए, साउथ की मूवीज में एक बात होती है कि वो लोग अपने कल्चर से जुड़े होते हैं, कल्चर से। वो कभी ये नहीं दिखाते कि हमारा कल्चर जो है अलग है, या हम मतलब शर्माते नहीं दिखाने में। लेकिन यही बॉलीवुड वाले जो शर्माते हैं, कभी दिखाएंगे नहीं कि हमारे कल्चर में कितनी विभिन्नता है, कितना प्योर है हमारा कल्चर। ये सिर्फ कॉपी करने में लगे हैं वेस्टर्न कल्चर को। यही वजह है साउथ की मूवी का हिट होने का। मुझे याद है सीमा जी, एक जमाना था जब साउथ की पिक्चरें लगा ही नहीं करती थी थिएटर के अंदर। मेरी पहली पिक्चर जो मैंने देखी थी साउथ की, वो थी मेरी जंग वन मैन आर्मी, जो कि नागार्जुन की मूवी थी। वो मूवी आती थी सोनी मैक्स पर, तो मैंने वो देखी थी मूवी। उसके बाद से मुझे लगा कि यार साउथ की मूवीज कुछ है, इसमें कुछ अलग ही मजा है, एक अलग ही मसाला है। उसके बाद से मुझे लगता नहीं कि कोई मूवी जो है साउथ की मूवी देखी थी मैंने। उसके बाद अब जाके जो है साउथ की मूवी को वो मुकाम हासिल हुआ जो उनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक जमाना था जब बॉलीवुड खुद को बोलता था कि हम शहंशाह है, हम राजा है, हमारे आसपास कोई नहीं है। लेकिन अब वही बॉलीवुड डरता है साउथ की मूवीज से। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक 14 अप्रैल को इसी साल एक मूवी आई थी KGF 2, उसी दिन रिलीज होने वाली थी लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की। लेकिन आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा जो है वो इतना डर गए KGF 2 से कि उन्होंने अपनी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया। उनको लग रहा था कि KGF 2 के सामने हम चलेंगे, क्योंकि KGF 2 का जो बस था, जो क्रेज था, उसके आगे चड्ढा जी कहीं दिखते ही नहीं, आमिर खान के दिखते ही नहीं। तो उन्होंने अपनी मूवी को आगे बढ़ाया, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, उनकी मूवी फिर भी फ्लॉपी हो गई। तो ये डर है साउथ की मूवीज का, और डर इस कदर है कि अब जब साउथ की मूवीज और बॉलीवुड की मूवी साथ में रिलीज होती है, तो बॉलीवुड की मूवीज को कम स्क्रीन मिलती है और साउथ की मूवीज को ज्यादा स्क्रीन मिलती है। तो इससे क्या हुआ है कि बॉलीवुड जो है वो सहम गया है, वो डर गया है।
उसको लगता है कि अब जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर पाती है साउथ की मूवीज से, काफी लगाव फील कर पाती है, क्योंकि हमारी जो बॉलीवुड की मूवीज है उसमें हमेशा हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है। किसी भी आप देख लीजिए पुराने करेक्टर को, उसमें हमेशा हिंदू धर्म के जो करेक्टर होते हैं या तो वो एक कॉमेडियन होगा या तो एक विलन होगा। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी शमशेरा, उसके अंदर आप देखो संजय दत्त ने उसके अंदर तिलक लगा रखा है और वो गुंडे का रोल कर रहा है। तो आप ऐसा क्यों दिखाते हो कि मतलब हिंदू धर्म के जो है वो लोग गुंडे हैं या फिर वो लोग कॉमेडियन हैं, आप उसको एक हीरो के रोल में क्यों नहीं दिखाते हो? वहीं दूसरी तरफ आप साउथ की मूवी देख लो, उसमें हमेशा जो एक्टर होगा वो धोती पहन के, कुर्ता पहन के, इस तरीके से रोल प्ले करता है, वो भी हीरो का। तो ये फर्क है, जहां एक तरफ साउथ इंडस्ट्री हिंदुइज्म को ग्लोरीफाई करती है, वही दूसरी तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदुइज्म को नीचे दिखाती है। तो इससे जो है लोग अब वाकिफ हो चुके हैं और लोगों ने मन बना लिया कि जिस भी मूवी में हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे धर्म को नीचे दिखाया जाएगा, उस मूवी का हम बहिष्कार करेंगे। तभी शुरुआत हुई है इस बॉयकॉट ट्रेंड की। अब आप देखिए जो भी मूवी जिसमें भी हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया जा रहा है या फिर हिंदुइज्म के साथ गलत तरीके से दिखाया जाए, तो उस मूवी का लोग बहिष्कार कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। आखिर कब तक हम इतना सहे इस चीज को? हमारे भी धर्म है, हमारे भी एक कर्तव्य है उसको लेकर, जिसको हमें निभाना चाहिए। तो यही वजह है बॉलीवुड की डाउनफॉल के और साउथ इंडस्ट्री के बढ़ावे की। अगर हम बात करें बाहुबली की, तो बाहुबली सुपर डुपर हिट मूवी रही, उसके बाद उसका बॉलीवुड में उसका ट्रेंड चला, बाहुबली 1 बाहुबली 2 बाहुबली, ठीक है, उससे उसका ट्रेंड चला। तो क्या कहते हो बाहुबली के बारे में आप, व्हाट यू वांट टू से? देखिए बाहुबली पहली ऐसी पिक्चर थी जो मैंने थिएटर में देखी थी, साउथ मूवी, साउथ की जो पहली मूवी थी बाहुबली, वही मैंने देखी थी। मतलब साउथ की तो मूवी बहुत सारी आ चुकी थी, लेकिन मैंने जो पहली मूवी देखी थी साउथ इंडस्ट्री की वो बाहुबली थी। और बाहुबली के आने के बाद मुझे लग गया कि भाई अब साउथ इंडस्ट्री का एक नया जो है राइज हो चुका है कि अब साउथ इंडस्ट्री, अब वो साउथ इंडस्ट्री नहीं रही जो दब जाएगी बॉलीवुड इंडस्ट्री से, अब वो आगे बढ़ेगी। और वही हुआ बाहुबली के बाद, बाहुबली 1 बाहुबली 2, उसके बाद रोबोट की सीरीज आने लगी थी, उसके बाद KGF, पुष्पा, RRR, और अब आने वाली पिक्चरें भी जो है आदि पुरुष जिसमें प्रभास रोल कर रहे हैं श्रीराम का, तो वो मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, मैं अभी से ये बात बोल रहा हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस था बाहुबली का, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि बाहुबली में एक भी एक्टर नहीं था बॉलीवुड इंडस्ट्री का। सोचिए उन्होंने बॉलीवुड से एक भी हीरो को नहीं लिया कि हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम अपने हीरो को लेंगे, हमारा डायरेक्टर भी अपना होगा, गाने भी हमारे अपने होंगे, सब कुछ अपना होगा, और हम तुम्हारे घर में घुस के, यानी कि हिंदी बेल्ट में घुस के इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना देंगे। और वो मूवी हिंदी वर्जन में इतना बेहतरीन उसने बिजनेस किया, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हर भाषा में वो मूवी सुपरहिट रही। तो उसके बाद से ही जो है चलन स्टार्ट हुआ कि अब साउथ इंडस्ट्री को हम हल्के में नहीं ले सकते, साउथ इंडस्ट्री आने वाला फ्यूचर है, इससे ये बात साबित हो गई। लेकिन देखा गया है कि उस मूवी के बनने के बाद ऐसी मूवियां जो हकीकत बयां करती, जो आईना दिखाती है, राजनीति की हकीकत दिखाती है, आजकल ऐसी मूवी बनना बंद हो गया है, ऐसा क्यों? देखिए ये सब प्रोपोगंडा है, ये जब से बॉलीवुड के अंदर ये प्रोपेगेंडा घुसा है, ये एजेंडा घुसा है, तब से बॉलीवुड का विनाश हो चुका है। अब वो मूवी नहीं बनती जिसमें सच्चाई दिखाई जाए, अब मूवी कैसी बनती जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, कुछ भी दिखा देते कि भाई ये एक ईमानदार पुलिस वाला है, ऐसे सब कुछ बदल दिया। भाई आजकल बहुत कहां इतने ईमानदार लोग हैं जो सब कुछ बदल रहे हैं, आजकल सब लोग बेईमान तो हो चुके हैं, चाहे वो आप सत्ता में देख लो, चाहे आप कहीं भी देख लो किसी भी डिपार्टमेंट में, आजकल सबके सब मोस्टली लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। तो उसके ऊपर मूवीज क्यों नहीं बनती है? बेफालतू की मूवीज ये लोग बनाने में लगे हुए हैं। तो जो रियलिटी है वो दिखानी चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन आपके जो आप देखिए जो आजकल गाने भी कैसे बन गए हैं, भगवान जी के नाम लेके उस गानों को अपमानित किया जाता है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डाल दिया जाता है कि दिस इज दैट, दिस इज दैट। तो वो हर चीज लोग नोटिस कर रहे हैं कि किस तरीके से हर एक मूवी के अंदर एक कुछ ना कुछ छुपा होता है एजेंडा, जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि हिंदुइज्म को मतलब बुरा बताया जाता है और जो दूसरा मजहब है उसको अच्छा दिखाया जाता है। तो ये जो भेदभाव है ये लोग अब समझने लगे हैं, पहले लोगों के दिमाग में चीजें आती नहीं थी क्योंकि लोग सोचते थे कि ठीक है यार जो दिखा रहे हैं देख लेते हैं, हमें क्या मतलब है। लेकिन अब लोग जाग रहे हैं और ये सब कुछ हुआ है कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ही, क्योंकि पहले जो है ना कोई बॉयकॉट होता था ना कोई कुछ ऐसा होता था, लोग अपना मूवी देखते थे, लोग एंजॉय करते थे। लेकिन अब जो है देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, पिछले 2 साल में सिर्फ एक मूवी हिट हुई है, सुपर हिट हुई है, वो है कश्मीर फाइल्स। उसके अलावा बॉलीवुड की कोई भी मूवी हिट नहीं हुई है। 14 जून 2020 से पहले एक मूवी आई थी जनवरी के महीने में, जनवरी 2020 में, जिसका नाम था तानाजी। तानाजी मूवी हिट हुई थी, उसके बाद से ही कोई भी मूवी जो है बॉलीवुड की हिट नहीं हुई है। ऐसा क्यों? बड़े से बड़े स्टार की मूवी, बड़े से बड़े सुपरस्टार की मूवी सारी फ्लॉप हो रही है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि उनको क्या देखना है, उनको अपने 500 रुपए के टिकट कहाँ पे
खर्च करनी है। वो नहीं चाहते कि हम 500 रुपए की टिकट इनको दे, इनके ऊपर पैसा लगाए और बदले में ये लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाए और ये पैसा जाए देश विरोधी गतिविधियों में। तो इसको लेकर लोग जागरूक हो चुके कहीं ना कहीं। अनुराग जी, हम लोग बॉलीवुड की बात तो कर ही है, लेकिन आज हम लोग थोड़ी बहुत बात तो वेब सीरीज की भी कर लेते हैं। आज जो निम्नस्तर क्वालिटी की निम्नस्तर की जो वेब सीरीज बन रही है, जहाँ पर आश्रम जैसी मूवी को ऐसा दिखाया जा रहा है, जहाँ पे हमारे अधिकतर यंगस्टर्स जो है वो गलत रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच ही गलत रास्ते में बदला जा रहा है, तो ऐसी मूवी पर रोक नहीं लगना चाहिए वेब सीरीज पर? लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। जैसे कि इन्होंने जो है, जैसे कि आश्रम मूवी की बात करी, आश्रम वेब सीरीज की बात करी आपने, मतलब ये क्या दिखाया गया है आपने? आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसान कुछ सीखता है, कुछ गेन करता है, नॉलेज गेन करता है, ज्ञान का भंडार होता है। उसमें आपने ये दिखा दिया कि वहाँ पे तो सारे अश्लील काम होते हैं, वहाँ पे सारी बेकार गतिविधियां होती है। हाँ, माना कि कुछ लोग हैं जो ऐसी चीजें करते हैं, बट इसका मतलब ये ना कि आप पूरे के पूरे आश्रमों को ही अपमानित करना शुरू कर दो। ये एक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, बहुत पवित्र वर्ड है आश्रम को, आपने इस तरीके से उसका मजाक उड़ा दिया, उसको इतना गंदा दिखा दिया। आप हमेशा हिंदुइज्म का ही क्यों मजाक उड़ाते हो? क्या आपके अंदर दम नहीं है बाकी धर्म के मजाक उड़ाने की? मैं ये नहीं कहता कि आप बाकी धर्म का मजाक उड़ाओ, मत उड़ाओ, किसी का मत उड़ाओ, लेकिन आप सिर्फ हिंदुइज्म को टारगेट क्यों करते हो? क्योंकि हिंदू लोग जो है काफी ज्यादा शांत होते हैं, सभ्य होते हैं, वो बेफालतू में मारा मारी नहीं करते हैं, दंगे फसाद नहीं करते हैं, तो इसी का फायदा उठाकर आप लोग मजाक उड़ाते हो। अब देखिए पीके मूवी में किस तरीके से मजाक उड़ाया गया है हिंदू धर्म का, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सीमा जी, अगर पीके मूवी अभी आई होती ना, ये मूवी रिलीज ही नहीं हो पाती थिएटर में, लोग इसका बुरा हाल कर देते, क्योंकि आप लोग जाग चुके हैं। वो जमाना गया जब हिंदू सो रहा होता है या फिर हम पब्लिक सो रही होती है, कुछ भी दिखा दो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब इंसान, अब पब्लिक जो है हर चीज देखती है बारीकी से, कि कहीं भी अगर कुछ दिख गया सीधा बॉयकॉट, ना इफ ना बट, सीधा बॉयकॉट। अब लोगों को भाई दिमाग में आ चुका है कि ये लोग ऐसे मानने वाले हैं नहीं, इन्होंने इतने सालों से हमें बहुत पागल बनाया है, बहुत हमें जो है हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है, हमें गलत दिखाने की कोशिश करी है, अश्लीलता फैलाई, लेकिन अब ऑडियंस जाग चुकी है और ये जागना भी बहुत जरूरी है, तभी इनकी आंखें खुलेंगी और तभी जाके इनकी मूवी से वो प्रोपेगेंडा, वो एजेंडा चीज खत्म होगी। ये बहुत जरूरी है सीमा जी। सनातन धर्म में दिखाने जैसा हमारे पास संस्कृति में इतना कुछ है, हमारे पास गीता, मैं उसकी बाइथोलॉजी की बात नहीं करूंगी, भगवद गीता हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, शिव पुराण हो, हमारे पास इतना कुछ दिखाने को, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि माइथोलॉजी के ऊपर ही आप मूवी बनाइए, लेकिन हमारे पास संस्कृति के अंदर इतना कुछ दिखाया जाता है। हमारे पास बड़े बड़े लेखक है, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी है, हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, उन्होंने अच्छी सी नॉवल कथाएं, अच्छी सी नॉवेल लिखी है। हमारे जितने बड़े बड़े लेखक है, नोबेल पुरस्कार भी, बड़े नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत लोग भी बहुत सारे ऐसे लेखक है, तो उन पे भी तो हम लोग मूवी बना सकते हैं। देखो एक मूवी थी, हम सलमान खान ऐश्वर्या जिसमें एक्टिंग किया था, वो एक सुपर डुपर हिट मूवी रही। उसके बाद मूवी आई थी हम साथ साथ है, उसमें हमारे परंपराओं को दिखाया गया, तो ऐसी मूवी आज बनना बंद हो गई है, कहीं ना कहीं चोट लगी है और कहीं ना कहीं थोड़े से डायरेक्टर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसी मूवी और बननी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसी मूवी एक दौर था जब बनता था और पूरा फैमिली उसे बखूबी, चाहे टेलीविजन में घर पे बैठकर, हॉल में, चाहे पर्दे के सामने बैठकर देखने में कभी हम लोग शर्म महसूस नहीं करते थे, लेकिन आज की मूवी देखने में जाने से भी हम लोग बता के भी ज्यादा पसंद नहीं करते कि हम लोग कभी मूवी देखने जा रहे हैं, कौन सी मूवी नाम लेने से भी डर लगता है, कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। जी जी जी, आपने बात करी माइथोलॉजी की, देखिए हम आप इसको माइथोलॉजी तो ना कहिए क्योंकि माइथोलॉजी नहीं है, माइथोलॉजी का मतलब होता है कि ये मिथ है, ये असल में नहीं हुआ था, लेकिन ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है, जो हमारे धर्म है, जो हमारे पुराण है, जो हमारे वेद है, वो सब हिस्ट्री है, और इन्हीं वेदाओं को पढ़ पढ़ के, इन्हीं पुराणों को पढ़ पढ़ के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं इसी से बने हैं। आर्यभट्टा हमारे थे, जो बड़े बड़े वैद्य ऋषि थे वो सब हमारे थे, ये जो सब सर्जरी वगैरह हो रही है ये हम लोग पहले कर चुके हैं, आज से कई हजार साल पहले हम लोग कर चुके हैं। आप अगर सर्च मारोगे गूगल पे ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, तो वो हमारा आता है सनातन धर्म, हिंदुइज्म सबसे पुराना धर्म है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, वो बहुत पुराना है, बहुत प्योर है। तो जिस ये जो अंग्रेज आए थे, इन्होंने क्या किया, सारे हमारे ग्रंथ ले गए, सारे हमारे वेद पुराण ले गए और उसी को सीख सीख के आज इतने बड़े साइंटिस्ट बन चुके, इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं। तो जिस इंसान ने हमारे हमारे पुराणों को, हमारे वेदाओं को, इनको पढ़ लिया, हमारे उपनिषदों को पढ़ लिया, वो इंसान आज कहां से कहां पहुंच सकता है। और आपने बात करी, दूसरा आपने पॉइंट ये बोला था कि क्या बोला था आपने पॉइंट, कि आप ऐसी मूवी क्यों नहीं बनती है जिसमें ये सब चीजें ना दिखाई जाती हो। देखिए मैंने आपको पहले ये पॉइंट बताया था कि अब ये जो बॉलीवुड वाले हैं ये कॉपी करने में लगे वेस्टर्न स्टाइल, जो बाहर के देशों में होता है, हर मूवी में ये सब गंदे गंदे सीन डाल देते हैं, ये जरूरी नहीं है मूवी के अंदर।
आप देखिए साउथ की मूवी में इतनी अश्लीलता नहीं होती जितनी ये बॉलीवुड वाले कर देते हैं, वहां पे एक प्रॉपर लव स्टोरी होती है। मैं आपको दिखा दूं कि मेरे घर में सब लोग देखते हैं साउथ की मूवी, टीवी पे आती है ना, कोई किसिंग सीन होता है ना कोई ऐसा सीन होता है, नॉर्मल एक प्रेम कहानी होती है, एक लव स्टोरी होती है। लव स्टोरी में जरूरी नहीं कि आप कुछ सीन डालो तो वो लव स्टोरी जायज हो जाएगी। लव एक प्योर चीज है, उसको आप बिना कुछ ये सब दिखाए भी मूवी को हिट करवा सकते हो, मूवी लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो जरूरी नहीं कि हर चीज के अंदर ये सब चीजें डाली जाए, लेकिन ये बॉलीवुड वाले ये समझते नहीं है इस बात को, वो हर चीज में ये अश्लीलता डाल देते हैं और सोचते हैं कि मूवी चल जाएगी, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। अब मुझे यही लगता कहीं ना कहीं जी, ऐसे तो बॉलीवुड के लिए बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन आज समय मर्यादा बहुत हमारे पास नहीं है, तो मैं समझूंगी कि आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं ले सकते हम लोग, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग वापस जारी रखेंगे और अगला टॉपिक लेकर हम फिर एक बार आएंगे। आज हम लोग ने बात करी बॉलीवुड की, वेब सीरीज की, अगली बार हम लोग बात करेंगे किसी और टॉपिक को लेकर। तो अनुराग जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस शो को खत्म करने से पहले हमारे जो युवा वर्ग है, क्योंकि आप भी एक यूथ आइकन हो, आपने भी इस प्लेटफॉर्म को काफी करीब से देखा है, सोशल मीडिया क्या है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे युवा वर्ग को एक सकारात्मक सलाह दे, उपदेश दे कि सही मायने में इंटरनेट का, डिजिटल वर्ल्ड का, इस प्लेटफॉर्म का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो भी कुछ चार पैसा कमा सके। क्योंकि मैंने देखा है कि बिल गेट्स जी ने बहुत अच्छा लाइन कहा था, फोन भले 8,000 का हो, लेकिन उस 8,000 के एंड्रॉइड फोन से आप लाख रुपए कमाने की क्षमता रखते हो, अगर आप प्रतिभाशाली हो तो। आप लाख रुपए का फोन मत खरीदो, 8,000 का फोन से भी आप लाख रुपए कमाने की क्षमता, जिसे एंड्रॉइड फोन एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसा मल्टीमीडिया सिस्टम है जिससे हम लोग लाख रुपया घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। हम लोग आज आप उत्तराखंड में हो, मैं गुजरात में बैठी रहती हूँ, बैठी वलसाड़ में, फिर भी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये भी एक एंड्रॉइड फोन और इंटरनेट का एक हमारे पास फायदा है, जिससे हम इससे जुड़े हैं और हमारा ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको बोल दीजिए, हमारे भी युवा वर्ग है जो गलत दिशा में जा रहे हैं या सोचते हैं कि ऐसा कैसे अपनाना ही, फास्ट फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सब कुछ करना ही एक रहन सहन इस तरह से बदलना ही आधुनिकरण है, आधुनिकता है, तो वो गलत है। आधुनिकरण ज्ञान में होना चाहिए, संस्कृति में होना चाहिए, ना कि कपड़े पहनने में, ना कि कोल्ड ड्रिंक पीना या पिज्जा खाना आधुनिकरण नहीं होता है, इट इज नॉट अ मॉडर्नाइजेशन। तो उनको आप बता दीजिए, क्योंकि आपकी बात वो जल्दी मानेंगे। देखिए आज का युवा ऐसा हो, किसी की बात नहीं माना, सिर्फ अपनी बात सुनता है, और सुननी भी चाहिए भाई। अगर आपके अंदर वो खून नहीं है ना, आपको लगना चाहिए कि मैं हूँ सब कुछ, और वो होना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। और आपने बात करी फोन की, देखिए मुझे 2 साल हो गए हैं मतलब यूट्यूब पे अच्छे से काम करते हुए, लेकिन मेरे पास अभी भी एंड्रॉइड फोन ही है। मेरे पास आईफोन पड़ा हुआ, लेकिन मैं वो यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे आईफोन मतलब मेरे को उससे ना अटैचमेंट ही नहीं होती। मेरा जो प्यार है वो एंड्रॉइड फोन ही है, क्योंकि मेरा जो जर्नी है यूट्यूब का वो शुरू इसी फोन से हुआ था, जो आप अभी इस वक्त मैं इसके ऊपर हूँ। मैंने कभी भी कोई महंगा कैमरा नहीं लिया, मैंने कभी भी कोई महंगी चीज नहीं ली, माइक वगैरह, बस मैंने मेरा ये था कि मेरे को पैशन है, मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। लोगों को लगता है कि यूट्यूबर बनने के लिए आपको एक महंगा कैमरा चाहिए होता है, एक महंगा सेटअप चाहिए होता है। देखिए मैं अपने रूम में बैठा हूँ, कुछ भी सेटअप नहीं, दीवार है और उसमें सफेद पेंट हो रखा है, कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर आपके अंदर वो बात है कि आप अपनी बात किसी को पहुंचा सको और वो बात समझे आपकी बात को, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने भी वही शुरुआत कर दी थी, मैं अभी भी उसी जगह पे उसी घर में हूँ, और मुझे काफी अच्छा लगता है यहाँ पे रहकर, और मुझे अच्छा लगता है इस फोन को यूज कर, क्योंकि इस फोन से मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है। और आपने बात करी कि युवा को किस तरीके से गाइड करना चाहिए, देखिए मैं बस ये कहूंगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे छोटे या फिर मुझसे बड़े हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे आने वाले टाइम में, मैं उनको बस ये बोलूंगा कि जो सब लोग कर रहे हैं आप वो मत करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को समझनी चाहिए, कि लोग समझते कि हम चलेंगे भीड़ पर चलेंगे, जो भीड़ कर रही है हम भी वो करेंगे। कभी भी भीड़ पे मत चलो, अपनी रास्ता खुद बनाओ। जो ट्रेंड सब लोग कॉपी कर रहे हैं उसको मत करो, आप एक अपना ट्रेंड लेके आओ, अपनी खुद की चीज करो। इसलिए लोग अक्सर जो है इसमें फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर क्रिएटिविटी तो है, लेकिन लोग दूसरों को फॉलो करते, दूसरों को कॉपी करते हैं। किसी को कॉपी मत करो, आप उनसे इंस्पायर हो, आप उससे सीखो, अपना खुद का कुछ नयापन लेके आओ, उससे शुरुआत करो। और कहीं ना कहीं जो लोग जो आजकल रील्स वगैरह में घुसे पड़े हैं, बेफालतू में ये सब चीजें करते हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को, जो लोग मेरी तरह है, उनको सच्चाई के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। आपके पास अगर प्लेटफॉर्म है, आपकी बात लोग सुन रहे हैं, वो गरीब आदमी, वो पिछड़ा हुआ आदमी जिसकी बात कोई सुनता ही नहीं है, ना शासन ना प्रशासन, आप उसकी आवाज बनिए, उसके लिए कुछ करिए, आपको दिल से अच्छा लगेगा। चाहे आपको लोग कम देखे, आपके सब्सक्राइबर कम हो, आपके फॉलोअर्स कम हो, लेकिन आपके मन को तसल्ली होगी, आप खुद को शीशे में देखोगे प्राउडली कि मैंने किसी के लिए आवाज उठाई और मेरी आवाज से उसका कुछ भला हुआ है।
तो जब तक ये चेंज सोसाइटी में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। चेंज लाना बहुत जरूरी है, चाहे उसके जरिए मैं बनूं, चाहे आप बनूं, चाहे इनमें से कोई लोग बने, वो चेंज बनना बहुत जरूरी है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम भी प्राउड फील कर सके, हमारे आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक बदलाव आ सके। तो मेरा तो यही मकसद रहा है। और दूसरी बात, आपके साथ जुड़ के काफी अच्छा लगा, ये हमारा फर्स्ट सेशन हो रहा है लाइव और काफी अच्छा लगा बातें करते करते, एक घंटे की शायद वीडियो बन गई होगी। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शक आपको देखकर सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे ये मैं उम्मीद करती हूँ। और चैनल से जुड़े रहिएगा और इसी प्रकार से हमसे बात करते रहिएगा, स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। और इस एपिसोड के अंत में यही कहूंगी कि अनुराग जी आप सच में एक यूथ आइकन हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप यूथ हो, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, बहुत सकारात्मक है। और मैं चाहती हूँ कि हर युवा की सोच आपकी तरह हो, आपसे वो सीखे और हम भी आपसे आज बहुत कुछ सीख पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सीमा, थैंक यू, धन्यवाद।